नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पूरे देश में जहां लॉकडाउन है, पूरे हरियाणा में भी वैसे ही लॉकडाउन है, परंतु नशे का कारोबार आज भी जारी है। ऐसा ही भिवानी में इन दिनों हो रहा है। पिछले दिनों सिरसा से एक बड़ा तस्कर पकड़ा गया था, जिसके पास से कई महीनों पहले 500 किलोग्राम से अधिक हेरोइन पकड़ी गई थी। लेकिन आज भिवानी के CIA टीम ने 53 किलो चर्स के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा। आरोपी मिथातल गांव का रहने वाला है और उसका नाम जयपाल है। CIA पुलिस के उप निरीक्षक मुरारी लाल ने बताया कि गत दिवस वे लोग गश्त पे थे। सूचना मिली थी कि एक चर्स का व्यापारी जयपाल चर्स बेचने के लिए निकला है। पुलिस ने उसे मिथातल गांव से ही पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि जयपाल यूपी से चर्स लेकर आया था और पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। वही पुलिस का कहना है कि पूछताछ में उसने कहां चरस बेची और कहां बेचने जा रहा था, इसकी भी जानकारी जुटाई है। लेकिन अभी भी पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि बाजार में इस चरस की कीमत लाखों की है। लेकिन एक और बात ये भी सोचने वाली है कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि जिलों की अलग अलग सीमाएं भी सील हैं। ऐसे में इस तरह का नशे का धंधा इतनी जोर जोर शोर से फल फूल रहा है, ये केवल लोगों पर ही नहीं बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। जहां पर एक व्यक्ति दूसरे प्रदेश की सीमा में नहीं जा सकता, कोई भी अधिकारी उसे जाने की इजाज़त नहीं देता, इसके बावजूद ये सीमाओं को क्रॉस करते हुए नशा कैसे हरियाणा में आ गया। हरियाणा ही नहीं अलग अलग प्रदेशों में ये नशा कैसे पहुँच जाता है, जबकि पुलिस चारों तरफ मुस्तैद है, सीमाएँ पूरी तरह से सील कर दी गई है। खैर, ये जाँच का विषय है और शायद पुलिस इसमें जुटी भी है। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। जी, जो आरोपी गिरफ्तार किया, कहां से गिरफ्तार किया, क्या बरामदगी हुई इनसे? ये जी कल हमारी टीम CIA स्टाफ भिवानी की गश्त के दौरान थी और सूचना मिली थी गुप्त विजयपाल शर्मा पर अर्जुन सिंह वासी मिताथल गाँव नशीले पदार्थ धंधा करता है, जो काफ़ी मात्रा में नशीले पदार्थ लिए हुए हैं और सप्लाई करने के लिए आएगा, और मिताथल गांव के पास इसको काबू किया और मोटरसाइकिल पर सवार था ये, और इसके कब्जा से 53 किलो और 600 ग्राम चरस मिली है। ये कहां से लेकर आया था, कहां बेचने थे इसको? इसको कल गिरफ्तार किया था, आज पेश करके 3 दिन रिमांड लिया है और इसके बारे में गहन पूछताछ की जाएगी भाई कहां से लाया था, कौन साथी था, किस वाहन में लाया था। कुछ पता चला सर कितने रुपए में लेकर आता था, आगे कितने? प्रारंभिक पूछताछ में तो इसने यही बताया भाई 20,000 के भाव से और यूपी से लाया था, पीड़ित के पास कोई गाँव पड़ता है वहाँ से लाया था। तो अब किसको और कितने में बेचना था इसको? इसके सप्लाई करना था जी, इसमें ग्राहकों कहाँ कहाँ बेचता था पता चला, भिवानी बेचता था गांव में या कहीं बाहर भी? फिलहाल तो पूछताछ में यही बताया जी, भिवानी एरिया में इसने सप्लाई करना था। तो अकेला है ये इस धंधे में या और भी कोई साथ? फिलहाल तो इसने अकेला ही बताया जी, बाकी पूछताछ जारी है। पहले भी इसने इस तरह का कोई मुकदमा इस पर दर्ज हुआ, कोई चोरी का, नशा तस्करी का? नहीं जी, आपराधिक रिकॉर्ड के मुताबिक तो फिलहाल कोई इसका मुकदमा है नहीं। कितनी कीमत?